हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? दिस इज अंतिम एंड होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और भगवान से दुआ है कि आप सब भी बहुत अच्छे रहे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक तरफ पकोड़े तले जा रहे हैं, दूसरी तरफ है चावल। तो आज है कान्हा जी की छठी, तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। जिन्होंने सेवा ली है, सेवा करते हैं वो, या सभी आई थिंक मनाते होंगे, कुछ लोग मनाते नहीं भी होंगे। तो चलो मैं बता देती हूँ, जन्माष्टमी के बाद जैसे बच्चों का छठी बनाते हैं, वैसे कान्हा जी की भी छठी बन रही है। तो उसमें कढ़ी पकौड़ा बनाया मैंने और चावल बनाए हैं, बाकी मिठाई और बहुत सारा भोग। तो वो आपकी पसंद है कि आप क्या बनाते हो, पर मोस्टली ना सब जैसे स्कॉन में या जहाँ भी कृष्ण मंदिर हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो है वो कढ़ी और चावल का भोग तो मस्ट होता है। उसके अलावा आप कितने भी भोग लगाइए, अपनी श्रद्धा जितनी है भगवान को अर्पित कीजिए। प्यार के भूखे हैं, सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो खा लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि आज मैं पहली बार, वैसे मैं छठी मना रही हूँ, मैंने सेवा ले रखी है ऑफकोर्स, लेकिन जैसे जैसे पता चलता वैसे ही, तो मैंने पहली बार छठी मनाई है। तो मुझे किसी ने बताया वैसे ही मैंने बना रही हूँ। तो ये मैं स्वीट निकाल रही हूँ, गुलाब जामुन, पेड़े और कुनाफा, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। मेरे को जितना पता था, जितना मैंने सुबह मैं पूजा जब की, मैंने वो मैं भूल गई ब्लॉक शूट करना, कर लिया। तो मैंने कच्चे दूध में मक्खन, इतना सारा दूध जिसमें आपके कान्हा जी अच्छे से नहा के डुबकी लगा सके, इतना दूध ले लिया, उनको अच्छे से नहलाया, अच्छे से साफ पानी से नहला के अच्छे से ड्रेसअप कर दिया। आज के दिन झूला जरूर झुलाते हैं कान्हा जी को, और कुछ लोग कान्हा जी का नामकरण भी करते हैं, जिनके कान्हा जी छोटे होते हैं या पहला साल होता है छठी का, तो जैसे बच्चे को नाम देते हैं, आप प्यार से कोई भी डुबाल जी को नाम दीजिए। हमने ऑलरेडी 7 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, मैं काना लाली और ऐसे प्यार से कुछ भी करती हूँ, तो मैं तो ये लास्ट में उनका नामकरण नहीं करते। तो देखिए, जो भी आपके पास, जैसा आप देख पा रहे हैं, सारी स्वीट हो गई, मक्खन तो जरूरी है, उसके बिना तो खाना, आपको पता ही है खाना खाते नहीं, और दूसरी मैया के बिना भोग का प्रश्न। इसलिए सबसे पहले गर्मा गर्म राइस आप देख पा रहे होंगे, कितना एकदम स्टीम निकल रही है, और ये एक मैंने चावल का पापड़ फ्राई किया और फ्रूट्स वगैरह। तो जैसा मैंने कहा, चाहे आप एक सिंपल रोटी और मक्खन भी खिलाइए, और आप दिन में बनाइए या रात को बनाइए, तो मैंने पूजा वूजा उनकी सब सुबह कर दी थी। कितने भोग लगाए हैं वो देखते हैं, 1-2 बजे का टाइम, भगवान के नाम पे हम खा भी रहे होते हैं। भगवान ये सब है जो बता चुके ऑलरेडी, रजवा ने खिलाया था, मैं शूट कर रही थी, तो मैंने नहा ली थी। और आप शाम को खिला सकते हैं, सुबह खिला सकते हैं, कभी बना सकते हैं। जैसे कि मेरा भोग का, मेरे पास जो अवेलेबल था, मैंने फ्रूट्स का भोग लगाया और भोग लगाया आज के दिन कान्हा जी का नाम भी रखते हैं, लेकिन हम लोग के खाना पहले से मिलता है। ये मेरा पॉइंट ही बुलाते हैं, वैसे वक्त के साथ आप कहोगे ये सब सीख ही जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी सकते हो, मतलब जो भी प्यार से अपने बुलाना चाहते हो, छठी के दिन नाम रखा जाता है। और झूला मस्त होता है, झूलाना तो सबसे पहले भोग लगेगा, वो झूला झुलाएंगे, तो होती है आज छठी का मतलब नामकरण ही होता है त्योहार की, स्पेशल बेटियों से दीदी मां मेरी शुरू से करती है, मुझसे भी ज्यादा प्यार और सेवा कान्हा जी की वो करती है। तो देखिए, लगा कि आज पहले मैं सेव मिनट कर लूं, तो आप सबके साथ मैं शूट कर लूं, अगर आपको कुछ पता हो सबसे पहले मक्खन की लाया है, बता सकते हैं का फेवरेट है मक्खन, माय फर्स्ट टाइम इसी वजह से मैं और अब शूट कर रही हूं। जी को फूक बहुत गर्म था, तो देखिए दीदी मां की सेवा करती है, तो सबरी ने चक से ठंडा करके फिर खिला रही है। बच्चों को पता होता है, बच्चे भी ठंडा करके खिला रही है, तो ये सब प्यार हमें करते रहने चाहिए, बच्चों से करवाते रहने चाहिए, खाना हम सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इन चीजों की नॉलेज हो उनको, पता उनको अच्छा लगे। आज की जनरेशन सब जैसे हमारे, और झूला जरूर झूलाते हैं आज के दिन शुरू से, तो बस यही मुझे बताया गया था, ये सब मैंने किया फर्स्ट टाइम, मुझे काफी अच्छा लगा, सीखने को मिला। आपको पता हो बनाते हो, कुछ और भी करते हो, तो प्लीज डू शेयर विद मी, मैं जरूर करूंगी। ना समझ लोग हैं, आप बताएंगे तो हम जरूर थोड़ा सा सीखेंगे, एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। देखिए उसके बाद आराम से मैडम टीवी देख रही है, सामने प्लेट में रखा है कढ़ी चावल और पापड़, उनका फेवरेट। अब उसके थोड़ी देर बाद संजय का टाइम है, ये जो सुबह आप कच्चे दूध में कान्हा जी के लिए जो आप दूध गर्म किया, कान्हा जी को स्नान करवाते हैं दिन बाद, एक्चुअली मुझे वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैं इसका बना रही हूँ मेरे वाला दूध, जैसे रिद्धिमा है मेरे लिए, मैंने ऐड कर दिया ऐसे ही मेरे कान्हा है, तो मैंने कहा तुम दोनों के लिए मैं अच्छा सा गर्म दूध बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ना ठंडी सर्दी जैसा मौसम हो रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है जयपुर में, तो ये मैंने बादाम काजू भिगोए और दूध में ही सैफ्रन डाल दिया है ताकि अच्छे से बल जाए। उसके बाद मैंने सबसे पहले काजू के पीसेस कर लिए हैं और बादाम छील के फिर बादाम के भी पीसेस कर लूँगी, और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दिया जो मैं भूल गई आपको दिखाना। आपको शुगर नहीं पसंद है तो आप विदाउट शुगर भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है, टोटली आपकी चॉइस है। और
अच्छे से गाढ़ा कर लीजिए दूध, और इसी में ना हम ऐड कर देंगे, आप इलायची पाउडर वगैरह या फिर खजूर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं फॉर मोर हेल्दी, बट मेरे ना फिर बच्चा पार्टी खाती नहीं है, पीती नहीं है दूध तो मैंने नहीं ऐड किया, तो बस काजू बादाम मैंने ऐड किया और थोड़ी देर एकदम बॉईल किया, फिर हल्का सा गुनगुना, जब था बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, क्योंकि जब सर्दी के लिए बनाया है कि वेदर चेंज हो रहा है तो ये आपको एनर्जी देगा और सही भी रहेगा, तो ठंडा करके नहीं पीजिएगा, बिल्कुल ल्यूक वार्म पीजिएगा तो अच्छा लगेगा, आप बच्चों को बना के दीजिए। तो सबसे पहले देखिए कान्हा जी को पिलाया जा रहा है, क्योंकि घर में जो बनेगा पहले कान्हा को, और वेदर चेंज हुआ है तो ऑफ कोर्स वो भी छोटे बच्चे हैं अभी, तो बस तो ये सब किया। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आजकल ना मैं बड़ी हो गई रिद्धिमा, पहले वो ना पराठे पराठे बनाती है, उसको ना रोटी बनाने से बड़ी एलर्जी है। अब इसको तवे पे रखो, इसने ना 2 मिनट फोन आ गया था मेरा, उसकी देर में ना इसने बना दिया इंडिया का मैप। इसकी मम्मा ने कैसे बताया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा पलोथर लगा, उसके आटा चिपक रहा है ना, लगा ज्यादा नहीं, उस साइड रख। अब बेल 1 2 3 4, बस बहुत ज्यादा नहीं ना, फिर वो नक्शा बनता है, 1 2 3 4 मोटा है, उधर से बेलते हैं। डोंट बी लाफ यार, कुछ सीख रहे हो मम्मी से। 1 2 3 4, उसका दम मत लगा, वो चिपक जा रही है, थोड़ा पलोसन लगा, आटा लगा मतलब, आराम से। हाँ बच्चों को ना मजा आता है, इसको ऐसे मजा आ रहा है जैसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो चल रहा हो यहाँ पे। 1 2 3 4 घुमा, रुक जा, हाँ अब इधर से, हाँ बेल अच्छे से, 1 2, हल्के हाथ से, पूरा दम नहीं लगाते, हाँ अब उधर से मोटा है तो उधर से बेलते हैं, कोशिश अभ्यास से जड़मती होए सुजान, अभ्यास करने से सब चीज। अब जिधर से गोलाई कम दिख रही है इधर से ऐसे करके बेल, है ना, फिर इंडिया का नक्शा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बेल अच्छे से हल्के हाथ से, पूरा दम नहीं लगाते, बस अब इधर से गोलाई ले उधर से, बस बस, और बहुत ज्यादा लंबी रोटी मत बनाओ, हाँ अब सेको, हाँ देखो कितना मजा आ रहा है, एटलीस्ट अच्छी तो है, हाँ अब एक और बना के दिखाएगी, बस आज के लिए कार्यक्रम समाप्त, इसने 5 रोटी बनाई है, 1 इंडिया का मैप और 2 तो सही बनाई है, हाँ 2 मिनट बस, 1 2 जैसे मम्मा ने बताया, इस बार मैं बोल नहीं रही, हाँ अच्छे से बेटा, सब चीज आनी चाहिए, उसे बीच में रखो ना, पीछे जगह का है, हाँ आप बोलोगे बच्चे को डांट भी है, बट एज ए मदर डांटना भी जरूरी होता है, थोड़ा सा और मोटी है वो, क्योंकि घुमाओ, बस बस बहुत ज्यादा आटा नहीं लगाते हैं, बस अब इस साइड मोटी दिख रही है तो इस साइड बेलन चलाओ और शेप में लो, अब वापस इसको इस साइड से, इतनी बार रोटी उठाते तो नहीं है पर ठीक है, स्टार्टिंग है इसलिए, यस बस गुड, आज का जॉब देखो कितनी हंसी आ रही है, दिखाना रोटी हाथ में लेके कैसी बनी है, हाँ ठीक है, लेकिन ये देखो अच्छा सा फुलका बनाया है, वाओ जल जाती है ना फिर, बस वाओ जल गई होगी, तो भैया आज रिद्धिमा ने रोटी सीखी है, सीखी तो क्या है, जबरदस्ती इसकी माँ ने सिखवाई है, ये लास्ट वाली सीख रही है, बस चलो बस हो गया, बाय।